जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, वन क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत शांत सौमित्र। हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी थाह को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। विभीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर, जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु आज की विजय का सबसे अधिक श्रेय महाराज विभीषण को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की गुप्त मंत्रणा से ही तुम मेघनाद को उसका यज्ञ पूरा होने से पहले मार सके। हाँ भैया, मेघनाद परमवीर था, हर प्रकार के रण कौशल में पारंगत, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि वो निकुम्बला का यज्ञ सिद्ध कर लेता तो अजय हो जाता। महाराज विभीषण, आपने मित्र धर्म का पूर्णतया पालन किया है, हम इस मित्रता का ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करेंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए रघुनाथ। मेघनाथ का वध सुरेश, महेश, अखिलेश किसी के भी हाथों संभव नहीं था, यह तो लक्ष्मण जैसा योगी ही कर सकता था। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वहरणे युक्तम पर्दाराभिमर्शकम् त्याज्य महादुरात्मानं वेषं प्रज्वलितं यथा।